रामदीन खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम अब दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। अगली सुबह क्या होता है फिर? हाँ, रामदीन जो है अपने चारों बूढ़ा जो बेटे थे उनको बुलाकर उसने कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब क्या हो चुके हैं? हाँ, बूढ़े हो चुके हैं और उसी कारण हम क्या करना चाहते हैं? यात्रा करना चाहते हैं और हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और मैंने क्या किया है कि खेत में मैंने यानी हाँ रामदीन ने खेत में क्या करके रखा है? धन गाड़ कर छिपा कर रखा है। और वो अपने बेटों को कहते हैं कि आपको जब भी यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी आपको धन की कोई भी जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है? खेत में से धन जो हमने गाड़ कर छिपा कर रखा है वो आपको निकाल लेना है ना? ऐसे वो रामदीन अपने बेटे को कहते हैं। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। देखो उसके बेटे ने जो रामदीन के बेटे थे उन्होंने क्या किया फिर? हाँ, उन्होंने जब उस बात को सुना कि अभी हमारे खेत में धन ही गड़ा कर रखा है, तो ये बात सुनकर तो बेटे तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी क्या कहा कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता है? हाँ, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए कही गई जो यात्रा होती है उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। और वो बेटे क्या हुए? मन ही मन बहुत खुश हो गए। और देखो वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। वो मन ही मन क्यों खुश हो गए? उनको खेत में तो गड़ा हुआ धन है ये तो पता चल गया था। और दूसरी बात यह सुनकर और भी खुशी हुई उनके मन में कि अभी कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं रहेगा, इसीलिए वो क्या हो गए? मन ही मन बहुत खुश हो गए। तो देखो बच्चों आगे क्या होता है। रामदीन के जाने के बाद क्या हुआ फिर? हाँ, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। देखो रामदीन और उसकी पत्नी है ना, ये दोनों तीर्थ यात्रा पर तो चले गए। और तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद फिर क्या हुआ? तो कुछ दिन एकदम जैसे दिन चलते थे वैसे ही चलते रहे। जितना घर में अनाज था धान्य था वो जब तक खाने के लिए था उतना चलता रहा। और उनके पास जो पैसा इकट्ठा करके रखा था, यानी रामदीन ने उनके पास जो धन दे के रखा था खर्च करने के लिए उपयोग करने के लिए, वो भी क्या होने लगा? अभी समाप्त होने लगा। और ये धन जब समाप्त हो गया और समाप्त होने लगा फिर अभी चारों भाई दो को चिंता हुई कि अभी घर में तो धान्य भी खत्म हो गया है। और दूसरी बात घर में धान्य और दूसरा क्या? हाँ, उनके घर में जो धन था यानी जो पैसे थे घर में वो भी सब क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इसीलिए फिर क्या हुआ? वो चारों भाइयों को अभी चिंता होने लगी कि उन्हें, और चिंता होने के बाद उन्हें तुरंत ही याद आया, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। पिताजी की कौन सी बात उनको याद आ गई? बोलो बोलो। हाँ, अपने पिताजी की कही बात उनको याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। फिर वो क्या हो गया? वो तो
उनको फिर वो ये बात याद आ गई कि अभी खेत में तो धन छुपा के रखा है, हम वो तो निकाल लेंगे, है ना। फिर वो क्या करने लगे, उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। फिर उन्होंने जब सोचा कि अरे धन तो खत्म हो गया है और खेत में गड़ा धन भी है, वो अब हम निकाल लेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत रात में ही खोदना शुरू कर दिया। तो देखो वो रात में ही खेत में की खुदाई का काम आरंभ कर दिया और वहां पे फिर क्या हुआ, हाँ रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। और उसके बाद जब सुबह हुई तो बहुत निराश और हताश होकर वे चार अपने घर लौट रहे थे। फिर वो क्या हुए कि बहुत निराश और हताश याने हाँ वो दुखी हो गए, और दुखी होते हुए भी वो क्या करने लगे, घर जाने लगे। और घर लौटते ही रहते कि तभी राम दीन का एक परम मित्र उनको मिल गया, यानी उनके परम मित्र, यानी उनके परम मित्र का नाम था हरिनाथ। यानी देखो ये चारे ये बेटे जो थे वो रात की खुदाई करके, रात की पूरे रात भर वो खेत की खुदाई के परिश्रम के कारण वो क्या हो गए थे, एकदम थक गए थे, थक चुके थे। और घर वापसी और सुबह होते ही वो निराश हो गए, दुखी हो गए कि अरे हमें तो कोई धन मिला ही नहीं। वो वैसे ही निराश हताश होते हुए घर से घर पर चलने लगे, घर की तरफ बढ़ने लगे। फिर वहीं पे जाते समय ही जब वो लौट रहे थे तभी राम दीन के परम मित्र, जो उनके पिताजी के परम मित्र थे, वो उनको वहां पर मिल गए। तभी राम दीन के मित्र जो हरिनाथ थे, राम दीन के मित्र का नाम क्या था फिर, हाँ हरिनाथ, हरिनाथ ने पूछा तुम सब थके हुए क्यों हो। हरिनाथ ने उन सब बेटों को पूछा कि अरे तुम सब इतने थके हुए क्यों हो। फिर कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा कि तुम लोगों ने खेत को खोद लिया है तो अब उसमें बीज भी बो दो। देखो वो जो बच्चे थे सब क्या करने लगे, घर से घर की तरफ बढ़ने लगे और लौट ही रहे थे तो उनको रास्ते में कौन मिल गया, तो उनके पिताजी के जो परम मित्र थे वो उनको मिल गए। और उनके परम मित्र का नाम था हरिनाथ। और देखो अभी हरिनाथ उनसे क्या कहते हैं,